वेलकम टू माय चैनल स्टडीज आर्टिकल्स बाय मैरी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का ये एक क्वेश्चन है जिसका सलूशन वैसे नॉर्मली चेक पर अवेलेबल है, लेकिन जो कि स्टूडेंट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इशू ये होता है कि उन्होंने चेक जो है वो बाय नहीं किया हुआ होता और उसकी मोस्टली नॉर्मली पेमेंट्स हैं, तो उन बच्चों को जब इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जिनका सलूशन सिर्फ चेक पर होता है उनके लिए काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको खुद ही अंडरस्टैंड करके कर लूँ और आप लोगों के लिए इसको फिर अपलोड भी कर दूँ, ताकि आप वैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज होती हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं, फॉर सपोज ऐसा क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाता है तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं उनको सॉल्व करना, और फिर आप सबको कहीं से जो वेरिफिकेशन भी नहीं होती कि ये ठीक हुआ है नहीं हुआ। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। द वेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एप्पल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। It is known that 25% of the apples are heavier than 172 milligram and 10% are lighter than 150 gram. अच्छा, हम इसमें दो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, एक ये एक ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है, सही है। अब हम इसे प्रूव करने की खातिर करेंगे क्या, हम सबसे पहले जो उसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, सच दैट पी and x, x is information, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे greater than 172 करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैंने लिख लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं चूँकि ये x में वैल्यूज़ हमें गिवन है और जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें x में वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए z में, मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल में चाहिए, हमें ये z में वैल्यू चाहिए। लेकिन z में करने के लिए हमारे पास जो है वो म्यू भी नहीं है और अच्छा जी, अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हमें नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे मजीद, यहाँ पे हम करेंगे x is 172, ठीक हो जी, हो गया जी। यहाँ पे 172 है और इसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है ग्रेटर देन 172 इज 25%, मीन्स हमें 25% दिया हुआ है, ठीक हो गया। 25% को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.25। इसको बेसिकली मैंने 100 से डिवाइड किया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे इस वाली इंफॉर्मेशन को, अब हमारे पास चूंकि टेबल जो होता है वो लेस देन का होता है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले टेबल से इनकी वैल्यूज देख लेंगे, लेकिन टेबल हमारे पास चूंकि लेस देन का होता है, मोस्टली लेस देन का ही यूज़ किया जाता है, और अगर ग्रेटर देन वाले टेबल में भी देखें तो हम क्या करते हैं, पहले ये 0.25 को हमने 1 में से माइनस करना है, क्योंकि हमें ग्रेटर देन की नहीं लेस देन का टेबल गिवन है, तो हम इसको लेस देन में करने के लिए 0.25 से माइनस कर लेंगे, ठीक हो गया। तो वो आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.75 आएगी, जो कि हमें लेस देन के टेबल में देखनी है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है वो हो गई है x लेस देन, क्योंकि हमारे पास टेबल लेस देन का था तो इसीलिए हम लोगों ने इसको लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए हमारी गिवन प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे 0.75 देखेंगे, ठीक है। अब होगा इस तरह से कि 0.75 जो है हमें मिल गया है। अब हमें ये देखना है कि टेबल में, इट मीन्स टेबल में हमें देखना है कि 0.75 किस प्लेस पे है, किस प्लेस पे है, यानी कि हम लोगों ने देखना है कि 0.75 हमें किस प्लेस पे मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको टेबल में जो मिल रहा है 0.75, वो 0.68 पर जब आप जाकर देखेंगे नॉर्मल के लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, जो कि लेस देन की हमें देता है, उसमें आप जाकर देखेंगे तो ये आपको 0.68 पर 0.75 वैल्यू मिलेगी, ठीक है जी। एक तो हमें एक इन्फॉर्मेशन ये एक्सट्रैक्ट कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या टास्क है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि जी वो लेस देन 150 ग्राम इज 10%, ठीक है जी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी एक्स इज लेस देन 150 ग्राम। अब हमारे पास है ही लेस देन और टेबल भी हमारे पास लेस देन का है, तो हमें इसे 1 में से माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली वो 10% था तो मैंने इसे 0.10 यानी कि डायरेक्ट 100 से डिवाइड करके एक वैल्यू बना के लिख ली। अब आप देख सकते हैं कि 0.10 टेबल में किस चीज़ पर है, मीन्स के हम जी स्कोर का जो टेबल है जब हम उसे देखें तो ये हमें मिलेगा -1.28 पर। आप टेबल में से इसको देख भी सकते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स टेबल भी देख लें तो इसमें आ जाता है 1.28 पर, ठीक है जी। अब ये वैल्यू हमें मिलती है 1.28 पर, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं। अब हम इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए ये प्रूफ करेंगे जो कि हमें करना था, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर अब ये जो जी स्कोर का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जी स्कोर से एक्स की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना, लेकिन क्योंकि इन्होंने म्यू के टर्म्स में हमसे फाइंड किया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूले को म्यू इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। अगर देखा जाए इसमें हमारे पास एक्स जो है वो 150 है, स्मॉल एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू इसमें हमारे पास क्या आई थी, -1.28, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमने x की जो वैल्यू है वो वहाँ पे 150 डाली है और म्यू की वैल्यू हमारे पास फिलहाल नहीं थी, तो हमने एज इट इज़ इसको इसी तरह रखा क्योंकि हमें चाहिए ही म्यू के टर्म्स में, और सिग्मा हम लोगों ने अभी वो भी नहीं निकाला, तो यहाँ पे इस तरह इसको लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये जो सिग्मा है 1.28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी it would be mu is equal to 150 माइनस था, लेकिन यहाँ पे ये जो है माइनस वो साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.28 सिग्मा। तो जो हमने प्रूफ करना था 1.2801, ये 01 भी इसके साथ ही है क्योंकि हम पॉइंट्स के बाद ज़्यादातर फिगर्स नहीं बॉदर करते, उनकी वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हमारी कैलकुलेशंस पे। तो जो हमने प्रूव करना था फिलहाल वो तो हमने कर लिया, ये तो इसका पार्ट ए था। अब हम इसका पार्ट बी करेंगे, उसके लिए मैं बोर्ड रेस कर देती हूँ।
अच्छा जी, पार्ट बी था यूजिंग द इंफॉर्मेशन, सेकेंड इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास जो जी स्कोर की वैल्यू आई थी 0.68 आई थी. अब उसको यूज करते हुए हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन के लिए बनानी है इक्वेशन. ठीक हो गया? तो हम क्या करेंगे, ग्राफ्स में आपको इसके साथ साथ बता दूंगी लास्ट पर. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इसको 0.68 को यूटिलाइज करते हुए, मीन्स कि अभी वो जो हम मैंने फार्मूला लिखा था z की वैल्यू को एक साइड पर लिख देते हैं, और उस केस में यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन में 172 वाली में x हमारे पास 172 था. ठीक है जी, 172 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. अब इसको भी मैं जब इन एक इक्वेशन की फॉर्म दूंगी तो क्या बनेगी, म्यू सारा कुछ डिस्प्लेस वगैरह करके इधर उधर हम अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे, 172 माइनस 0.68 सिग्मा. ठीक है, अब हमारे पास चूंकि वैल्यूज नहीं है तो मैं अब इसमें प्लग इन करके इसको फाइनल आंसर म्यू का नहीं निकाल सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मेरे पास सिग्मा की वैल्यू आ सकती है. एक ही हमारे पास इक्वेशन टू हो गई. ठीक है जी, और इक्वेशन वन जो थी वो हमारे पास क्या थी, म्यू इज इक्वल टू 150 प्लस 1.2801 सिग्मा. अब ये जो मैंने इक्वेशन वन बनाई थी और जो मैंने ये इक्वेशन टू बनाई है, मैं इनको लिख लेती हूँ जी, ऐड वन एंड टू, सॉरी ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट. ये हमारा एडिशनल सेक्शन है अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, वन फ्रॉम टू. अब आपने क्या करना है, इनको ऊपर नीचे रख कर साइमल्टेनियस, आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि एक को दूसरी टर्म में रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा यहीं पर कर देते हैं. जी, अब देखा जाए तो मैं ज़रा साइंस भी इसी तरह रखती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो आंसर. ये देखें जी, अब हम क्या करेंगे, साइंस है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि माइनस, यहाँ पर प्लस है तो वो भी हो जाएगा माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आएगा 22 माइनस 1. आप जब इनको करेंगे दोनों को ऐड तो क्या आएगा, 1.96 सिग्मा. ठीक हो गया, अब ये इक्वल टू जीरो थे दोनों. अब हम क्या करेंगे, ये सिग्मा, दैट इज सिग्मा. ओके, अब हम क्या करेंगे, 22 इज इक्वल टू 1.96 सिग्मा डिवाइडेड बाय 1.96 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा की वैल्यू, तो ये मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय बोथ द साइड्स कर दिया, 1.96. तो सिग्मा तो ऐसे ही था, उसको रहने दिया, कट कर दिया इन दोनों को, तो हमारे पास जो सिग्मा की वैल्यू इस केस में आएगी, दैट वुड बी 11.22. आप इसको 11.2 तक भी यूज कर सकते हैं या 22 तक भी यूज कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, ये तो हमारी एक इंफॉर्मेशन हो गई, एक ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई. चलें जी, इस सिग्मा की वैल्यू को हम यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन में, मींस के एक एक वाली इक्वेशन, ये 150 वाली, इसमें यूज करके हम जरा म्यू भी निकाल लेते हैं. म्यू इज इक्वल टू 150
प्लस 1.2801 1.2801 लिखते हैं तो चले लिख ले, नहीं तो इट्स ओके, इनटू इनटू 11.22, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी म्यू की दैट वुड बी म्यू इज इक्वल टू 164.36. ये जी हमने वैल्यू निकाल ली. अब आप इसको अप्रोक्स अगर करना चाह रहे हैं तो आप इसे 164.4 तक भी यूज कर सकते हैं, 164.4 यहाँ तक भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इट वुड बी 164.4. ठीक है, तो हमारे पास इस तरह दोनों इंफॉर्मेशन से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो गई हैं. अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. ठीक हो गया, थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, एन एप्पल इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज हैवियर देन 165. अब हम इस स्टेप तक आने तक हमारे पास म्यू की भी वैल्यू है, हमारे पास सिग्मा की भी है. अब हम उसे यूज करते हुए इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे. अच्छा जी, अब हम करेंगे इसका थ्री पार्ट, यानी ये सी पार्ट. उसमें हमें क्या उसने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने को कहा है, पी इज सच दैट एक्स इज हैवियर देन मींस ग्रेटर देन 165. अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट, अब हम करेंगे इसमें इंफॉर्मेशन सारी पुट. वो कैसे करेंगे, चले मैं आपको बताती हूँ. अब हमने इसको z में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमारे पास म्यू भी है और सारी वैल्यूज हैं. चलें जी हम इन्हें प्लग करना शुरू करते हैं. 165 माइनस 164.4 माइनस 164.4, ठीक हो गया जी. अब हम इसको डिवाइडेड बाय द सिग्मा, सिग्मा जो कि है हमारे पास 11.2, या 2 भी रख लें या 2 रख लें, चलें 2 रख लेते हैं. तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है यहाँ पे, इट वुड बी 0.0053 या 57, जो भी आपकी आ रही है, क्योंकि वो समटाइम्स जब आप जितनी ज़्यादा कैलकुलेटर पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज लेते हैं उतने कुछ कुछ आखिर की जो पॉइंट्स वैल्यूज चेंज होती हैं. अच्छा, अब ये ग्रेटर देन है तो मैंने क्या करना है, मेरे पास तो टेबल लेस देन का है, तो मैं क्या करूँगी, मैं 1 में से इसकी लेस देन वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगी. 1 दैट पी जी इज स्मॉलर देन 0.0053. ठीक है जी, अब आप इसे टेबल में देखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपने टेबल में देखनी है, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लेस देन वाली. ठीक है जी, तो आपको मिलेगी 0.52221221. ठीक है जी, और उस तरह फिर आप इसको मज़ीद आगे सॉल्व करके देखेंगे तो आपको 0.4
7.77 कुछ समथिंग मिलेगी, जिसको आप अप्रोक्स करके 0.48 बना सकते हैं। ठीक हो गया जी, 0.48। ठीक है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो वो भी ठीक है। ये आपको एक आंसर मिल गया सी पार्ट का। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। ठीक है जी, डी पार्ट क्या हमें कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वेट अबव व्हिच 60% ऑफ द एप्पल लाई। मैं आपको साथ साथ इसके कर्व्स भी बताती जाऊंगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी करनी है, एक्स फाइंड करना है हमने। देखिए, वैल्यूज हमें चाहिए, कैपिटल एक्स तो है ही है, अबव विच मीन्स कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कुछ वैल्यू हमें चाहिए जिससे 60% मीन्स 0.60, 0.60 सही हो गया। अब वही बात है, ये ग्रेटर है तो हमें फिर 1 में से माइनस करना पड़ेगा अपना, क्योंकि हमारे पास टेबल ही लेस देन का है। तो हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी गोना डू इज 1 माइनस 0.4 एक्स, सॉरी दैट 0.60, 0.60, 0.40 हमें मिल जाएगा, 0.40। ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर अपनी वैल्यू देखेंगे, टेबल में इसको देखेंगे कि हमें ये टेबल में कहाँ मिलता है, मीन 0.40 टेबल में हमें कहाँ मिला है। तो जो कि हमें मिला है टेबल में, कहाँ मिलेगा हमें, मिलेगा जी ये इक्वल के एक तरफ तो पहले लिख लें, हमें ये टेबल में मिलेगा माइनस 0.25 पर। पी इज कैपिटल एक्स लेस देन, क्योंकि अब हमने माइनस कर दिए, तो लेस देन माइनस 0.25। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। सही है, इस माइनस 0.25 को हमने यूज करना है यहाँ पे एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा वाले फॉर्मूले में, जिसमें हमें एक्स अभी नहीं पता। और यहाँ पे हम करेंगे 164.4, 164.4 डिवाइडेड बाय सिग्मा, हमारे पास क्या आया है, 11.22, 11.22। और इस सारे को सॉल्व करके हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है 161.5। ठीक है जी, इस तरह हमारे ये चारों के चारों पार्ट्स हो गए हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी के कोई और क्वेश्चंस भी चाह रहे हैं, वैसे ये बुक जो है मेरी है वॉलपोल की, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की वॉलपोल की बुक है, 9th एडिशन फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। और ये जो बुक है, ये तो एक अन वैसे सा क्वेश्चन था कि यार ये क्वेश्चन चेक पे पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सोल्यूशन जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, ताकि मेरे जैसे बेचारे स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको चेक जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ मेरी वीडियो से देख लें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ का वेट कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।